कुछ पेरेंट्स को लगता है कि मेरे बच्चे के इधर टेढ़े मेढ़े हुआ तो क्या हुआ, जब वो 13-14 साल का हो जाएगा, जॉ का साइज बढ़ जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट वो गलती कर रहे हैं। बच्चों में जब भी आपको लगे कि दांत टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, बाइट थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, एंड द एज इज इवन 8 or 9, आपको इमीडिएटली जाके ऑर्थोडोंटिस्ट को दिखाना है। बिकॉज कभी कभी क्या हो जाता है कि कोई हैबिट्स होते हैं, थंब सकिंग, लिप बाइटिंग, टंग फसलिंग या दांतों का टाइम प्ले न देना, इसके कारण दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। सो डॉक्टर क्या करेगा, ही विल ट्राई टू फाइंड द कॉज कि प्रॉब्लम क्यों हुआ है, एंड ही विल ट्राई टू गिव एन ऑफ रिजल्ट, गिव अ सॉल्यूशन टू। समटाइम प्रॉब्लम लग रहा है, उसको लग रहा है कि ये नॉर्मल डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है, तो वो उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं बताएगा, उसको लग रहा है दिस प्रॉब्लम रिक्वायर्स इमीडिएट अटेंशन, देन आपको सिंपल ट्रीटमेंट बताएगा जिस ट्रीटमेंट के कारण उसके दांत इमीडिएटली और अच्छी तरह सही हो जाएंगे और आगे प्रॉब्लम नहीं बढ़ेगा। हम क्या गलती करते हैं कि हम सभी का टाइम छोड़ देते हैं और आगे जब ऑर्थोडोंटिस्ट के बाद जाते हैं, जब वो 40-50 का हो जाता है तब, और हमको बोलते हैं डॉक्टर इसके दांत सीधे करो, डॉक्टर दांत सीधे करेगा और उसमें क्या करेगा, कभी कभी वो 4 दांत निकाल देगा, कभी कभी ट्रीटमेंट का टाइम इतना लंबा हो जाएगा कि बच्चा उसे परेशान हो जाएगा। अगर आपको सोल्यूशन इजी, सिंपल, स्टेबल चाहिए तो राइट थिंग इज दैट यू शुड विजिट एन ऑर्थोडोंटिस्ट एट द एज ऑफ 8 and 9, बिकॉज वो उस समय पे आपका प्रॉब्लम महसूस करेगा, फाइंड आउट करेगा और इमीडिएटली सिंपल सोल्यूशन देगा, जो इम्पोर्टेंटली काम कॉस्टली होगा। अगर आप वेट करोगे तो ट्रीटमेंट का कॉस्ट बढ़ जाएगा और ट्रीटमेंट का टाइम भी बढ़ जाएगा, जो किसी को पसंद नहीं है ना। थैंक यू।